प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टियां कसरत करती हुई नजर आ रही हैं और इसी क्रम में उदयपुर जिले की सलुम्बर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट के फीडबैक को लेकर उदयपुर में गुरुवार को बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारियों से पार्टी को लेकर मौजूदा स्थिति की विस्तार से जानकारी ली है। कार्यकर्ता सारे जो हैं बहुत उत्साहित हैं, सब समझ रहे हैं इस विषय को भी। मंत्र जैसी कोई बात नहीं है, हम हमारे मंडल स्तर से, मंडल से ऊपर के जो अधिकारी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हम नियमित रूप से करते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी आए थे, आज भी आए, और जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है वहाँ की थोड़ी बहुत समीक्षा, छोटी मोटी तो बात होती है, चर्चा करते ही। मतलब कार्यकर्ताओं ने क्या फीडबैक दिया है, किस तरह से दोनों सीटों को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ता? कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता मानता है कि पहले कुछ गलतियाँ हुई है जो भ्रम पैदा किए थे हमारे विपक्षियों ने, अब वो भ्रम चलने वाला नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार बन गई और जो जनहित के काम पार्टी ने करने के, हमारी सरकार ने करने के लिए तय किया है वो काम सरकार कर रही है, हमारे विकास के काम हो रहे हैं। बजट भी बहुत अच्छा मिला है, केंद्र का और राजस्थान का दोनों बजट बहुत अच्छे मिले। हमारे कार्यकर्ता बजट का लाभ आम नागरिक को दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, संपर्क भी कर रहा है किस प्रकार से हम जनता को लाभान्वित कर सकें, ऐसे काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। 84 में बाप पार्टी का जो 84 को लेकर हमारी दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हमारी रणनीति बहुत साफ है। क्या आह्वान कर रहे हैं कार्यकर्ता, उस कैसे जीतेंगे? कार्यकर्ता खुद आह्वान कर रहा है हमारा, वो समझ रहा है कि पहले जो भ्रम पैदा किए अब नहीं चलेंगे, समाज एकजुट है, समाज बिखरने वाला है नहीं, और नीतियों के आधार पर चुनाव होता है, विकास के